इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे शहर के जनप्रतिनिधि लगातार इसकी मांग कर रहे थे और आज हमने इसको बजट में पहले शामिल किया, फिर तैयारी करके भूमि पूजन हम लोग कर रहे हैं। आगे की भी सड़क खुली हुई है, पीछे की भी सड़क खुली हुई है, ये बॉटल नेक हो गया है, बिल्कुल यहाँ आके जाम हो जाता है, इसलिए ये 500 मीटर की दूरी सबसे कठिन हो जाता है। और इसके लिए बहुत लोग बोले कि इसे बहुत ज़्यादा राशि लग रहा है, निर्माण में कम मुआवजा में ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोगों ने सबको ध्यान रखते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की। उसी प्रकार से रिंग रोड क्रमांक एक में एवं तेलीबांधा चौक से अग्रसेन धाम चौक तक लवहांडे तक 6 लेन फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के लिए इसका भी भूमि पूजन किया, जिसमें 473 करोड़ रुपये की लागत आएगी। और साथ ही शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण करने के लिए, लोगों के जन सुविधा और मनोरंजन के लिए भी हम लोगों ने ध्यान दिया, लगातार कोशिश रही। जैसे बूढ़ा तालाब का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया, आज बूढ़ा तालाब में सैकड़ों लोग रोज बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो रिवर फ्रंट बन जाने से निश्चित रूप से इसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा। आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, कुम्हारी में बड़े तरीक हमने निर्माण किया, रोज हजारों लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि मनोरंजन का और कोई साधन रायपुर में नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए करीब 197 करोड़ 26 लाख रुपये के इसमें खर्च आएगा, इसके भूमि पूजन हम लोगों ने किया। एक्सप्रेस वे टेमरी से माना VIP एवं एलिवेटेड कॉरिडोर सहित एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 6 लेन मार्ग का निर्माण, उसमें 156 करोड़। और रिंग रोड क्रमांक एक पर उद्योग भवन महावीर नगर के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 39 करोड़ रुपये के जिसमें लागत आएगी फ्लाईओवर के, इसके भी आज भूमि पूजन किया गया। इस मार्ग से बनने, चौड़ीकरण होने से, फ्लाईओवर बनने से आप कुम्हारी से लेकर मंदिर हसाव तक के कोई भी सिग्नल नहीं होगा, सीधा जाएंगे, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है कि बिना रुके आप सीधा यहाँ से निकल जाएंगे। उसी प्रकार से तहसील भवन विभाग के लिए भी हम लोगों ने निर्माण कार्य के लिए नए पंजीयक, अब रजिस्ट्री वगैरह के लिए रायपुर वाले खूब जाते आते हैं भाई, तो और हमारे राज्य के आय का बड़ा स्रोत है पंजीयन कार्यालय है, तो उसका भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है 9 करोड़ 17 लाख के। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आज अब वर्चुअल, पहले तो ये था कि मैं हर जिले में जाऊंगा, सब साथी लोग भी कर रहे थे, हमारे यहाँ भी आइए, रिवर फ्रंट इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो बड़ा कार्यक्रम हो सकता था, सब साथियों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ आए, लेकिन समयाभाव के कारण से आज ही मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में करीब 4771 करोड़ का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यहाँ आके 1021 करोड़ के शिलान्यास हम लोगों ने किया, भूमि पूजन किया। उसी प्रकार से कल पूरे जिले के जो स्वीकृत कार्य हैं उसमें 6080 करोड़, कुल मिला के 2 दिन में 11000 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यदि पिछले 3 महीने का मैं हिसाब लगाऊं तो 3 महीने में करीब 36000 करोड़ रुपये के राशि का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो लगातार यदि देखें अधोसंरचना के मामले में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि अधोसंरचना का कोई काम नहीं हो रहा है, मैं तो उनको चुनौती देता हूँ 15 साल की लिस्ट निकाल ले और 5 साल की हम लिस्ट निकालते हैं, 3 महीने में 36000 करोड़ की राशि, तो उससे हम कहीं आगे निकल गए हैं। और उसके साथ साथ जो आम जनता के हित के लिए जो फैसला किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है, जिसमें भूमि श्रमिक न्याय योजना है, जिसमें गोधन न्याय योजना है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और लघु वनोपज संग्राहक हैं, यदि इनको करें तो सीधा आम जनता के जेब में जो पैसा गया 5 साल में
1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है। मैं समझता हूं देश में किसी राज्य में इतनी बड़ी राशि इन 5 वर्षों में आम जनता के जेब में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, इसके खाते में नहीं गया। तो एक तरफ लगातार लोगों के आय में वृद्धि करने का काम और दूसरे तरफ अधोसंरचना निर्माण के कार्य। यदि हम बस्तर की बात करें, अबूझमाड़ में सबसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और दूसरा विरल बसाहट भी है और दुर्गम स्थल है, वहाँ भी हमारी सरकार ने इंद्रावती नदी में 2 बड़े पुल बनाए। अब लोगों का आवागमन भी हो रहा है उस साइड में, जा स्कूल भी खुल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल रहे हैं, पीडीएस साफ भी हो रहा है, अस्पताल भी खुल रहे हैं। तो लगातार आम जनता की सुविधा के लिए एक पैमाना है। यदि विकास की किरणें अबूझमाड़ में पहुंच गई तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ और तेजी से, दूसरे क्षेत्र हैं और तेजी से विकास कर रहा है। तो लगातार प्रयास यही। तो आज जो डॉक्टर खूबचंद बघेल की मूर्ति की पूजा करके हम लोगों ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य लेकर 5 साल पहले चले थे, आज डॉक्टर बघेल सहित तमाम हमारे जो पुरखे हैं, चाहे पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे मिनी माता हो, चाहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हो, छेदीलाल बैरिस्टर जी हो, चाहे वो चंदूलाल चंद्राकर जी हो, ये सारे महापुरुष जिन्होंने जो सपने देखे थे, आज हम सब मिलकर उसे पूरा कर रहे हैं। तो मैं पुनः उनको नमन करते हुए पूरे रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।